हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लास 10 लेसन ट्रायंगल। दिस इज द पार्ट 4 वीडियो। इन प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थ्योरम 6.2 कॉन्वर्स ऑफ बेसिक्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आज हम थ्योरम 6.2 में कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है यह हम देखेंगे। ये थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कॉन्वर्स है, मतलब उसका उल्टा है। ओके, अब देखेंगे सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब देखो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट में क्या बोला है कि अगर कोई ट्रायंगल्स को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इन द सेम रेशियो, मतलब यहाँ पर रेशियो क्या रहेगा, एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाई ईसी। ये जो हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में जो हम प्रूफ करना था, यहाँ पर क्या है, ये गिवन है। मतलब अगर एक ट्रायंगल्स को ये लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पर सेम रेशियो में, मीन्स एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाई ईसी। सो हमको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर डीई पैरेलल टू बीसी। तो ये जो लाइन है डीई क्या रहेगी, इसको बीसी को क्या है, पैरेलल है, हमको प्रूव करना है। ओके, सो अगेन यहाँ पर हमको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर डी पैरेलल टू बी से हम डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते, मतलब पैरेलल करके बता नहीं सकते। सो हम यहाँ पर भी अगेन हमको यहाँ पर क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। ओके, तो सबसे पहले गिवन में क्या है वो हम लिख लेंगे। नाउ हमें क्या दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी में यहाँ पर हमको क्या दिया है, इसका रेशियो, साइड का रेशियो क्या देकर है, गिवन देकर है, इक्वल देकर है, AD by DB इज इक्वल टू AE by EC देकर है। ओके, सो नाउ हमको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर ये DE BC को पैरेलल है, प्रूफ करना है। सो टू में क्या रहेगा, टू में DE पैरेलल टू बीसी, ये हमको प्रूव करना है। नाउ कंस्ट्रक्शन करके क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले हमको ये यहाँ से ये डी लाइन से ये साइड पर एक हमको लाइन ड्रा करनी है, हम इसको नाम दे देंगे ई डैश। हमको ये मानकर चलना है हमको। अब ये देखो, हम यहाँ पर ये एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं लिख सकते, इसलिए हम यहाँ पर ये साइड पर, क्योंकि ये साइड ये डी ई डैश यहाँ पर इसी लाइन पर रहेंगी डी पर, बट हमको यहाँ पर देखने के लिए देखो, अब हमको मानकर चलना है कि ये डी ई डैश ये बीसी को पैरेलल है। सपोज हमको मानकर चलना है और हमको ये थ्योरम प्रूव करना है, तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ड्रा डी ई डैश यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर पैरेलल टू बीसी, बीसी को पैरेलल है, हमको ये मानकर चलना है, ये यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, यहाँ पर ड्रा डी ई डैश पैरेलल टू बीसी, ये हमको मानकर चला और ये थ्योरम हमको प्रूव करना है। नाउ हम प्रूफ में देखेंगे, प्रूफ किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर देखो डियर स्टूडेंट्स, सिंस यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल एबीसी में प्रूफ देखो क्या होगा, यहाँ पर इन ट्रायंगल एबीसी में ये क्या है, डी ई डैश पैरेलल टू बीसी, डी ई डैश पैरेलल टू बीसी। तो जो है वो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पर क्या दे करें, डी ई डैश बाय बीसी, क्या होगा यहाँ पर डी ई डैश पैरेलल टू बीसी, ये हमने कहा से लिया है, बाय कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर लिखा है इन ट्रायंगल एबीसी में हमको क्या मिला है, डीई डैश पैरेलल टू बीसी बाय कंस्ट्रक्शन। नाउ अब यहाँ पर देखो, अगर डीई डैश पैरेलल टू बीसी है, डीई डैश पैरेलल टू बीसी है, सो बाय बीपी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हमको क्या मिलेगा, एडी बाय डीबी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एई डैश बाय ई डैश सी मिलेगा। सो क्या होगा यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा होगा AD by DB इज इक्वल टू AE dash by E dash C,
डैश सी। ये हमको किस तरह से मिला है? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बीपी थ्योरम। नाउ ऑलरेडी यहां पर गिवन में क्या दे करें, अब इनको इक्वेशन वन दे देता है, मैं इसको इक्वेशन वन दे देता है। नाउ गिवन में क्या दे करें, एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी। ओके, नाउ इन ट्रायंगल एबीसी ऑलरेडी गिवन, एडी इज इक्वल टू डीबी एंड एई इज इक्वल टू ईसी। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप, एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी। ये हमको कहां पर देख रहे हैं, गिवन में देख रहे हैं, इसको हम इक्वेशन टू दे देंगे। नाउ अब कंपेयर करेंगे इक्वेशन वन एंड टू। जब हम इक्वेशन वन एंड टू दोनों कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हमको मालूम होगा कि इक्वेशन वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड सेम है, उसकी राइट हैंड साइड डिफरेंट है। जब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन वन एंड टू, सो लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो उसकी राइट साइड भी हमको क्या मिल जाएंगी, इक्वल मिल जाएंगी। सो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी हैव इक्वेशन वन एंड टू के बाद हमको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी इक्वल है तो उसकी राइट हैंड साइड भी हमको इक्वल मिलेंगी। सो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू ए ई डैश बाय ई डैश सी इज इक्वल टू ए बाय ई सी, इसको हम इक्वेशन थ्री दे देंगे। नाउ नेक्स्ट क्या करना है हमको थ्योरम प्रूव करने के लिए, हियर एडिंग वन, यहां पर हमको क्या करना है, एडिंग वन करना है ऑन बोथ साइड। सो हम क्या करेंगे, यहां पर ऐड करेंगे दोनों तरफ। ओके, सो ऐड वन ऑन बोथ साइड्स, वी हैव, अब ऐड करने के बाद क्या होगा, यहां पर ए ई डैश बाय ई डैश सी प्लस वन इज इक्वल टू, राइट साइड में भी ऐड कर लो ए बाय ई सी प्लस वन। ओके, नाउ अब हमको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। अब मान लो कि इसके डिनोमिनेटर में वन है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है, ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है, तो ये भी टर्म्स हमको फ्रैक्शन में लेकर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना होगा। तो किस तरह से होगा, मान लो कि इसके डिनोमिनेटर में भी वन है, सो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए ई डैश बाय ई डैश सी प्लस वन बाय वन इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी प्लस वन बाय वन। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है स्टूडेंट्स, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ए ई डैश इंटू वन ए डैश ई डैश सी प्लस सॉरी ई डैश सी इंटू वन ई डैश सी डिवाइडेड बाय ई डैश सी इंटू वन ई डैश सी, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ दोनों तरफ। तो क्या होगा, यहां पर ये ए डैश इंटू वन ए डैश इंटू वन ए डैश होगा प्लस ई डैश सी इंटू वन, क्या होगा ई डैश सी डिवाइडेड बाय ई डैश सी इंटू वन, क्या होगा डिनोमिनेटर में ई डैश सी इज इक्वल टू, सिमिलरली ये साइड में भी उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ए इंटू वन ए प्लस ई सी इंटू वन ई सी डिवाइडेड बाय ई सी इंटू वन ई सी। नाउ डियर स्टूडेंट यहां पर चेक कर लो, ए ई प्लस ई सी ए ई डैश प्लस ई डैश सी, यहां पर देखो ए ई डैश प्लस ई डैश सी होल क्या होगा, यहां पर ए सी होगा एंड यहां पर ए ई प्लस ई सी ए ई प्लस ई सी, तो ये भी क्या होगा यहां पर आपका ई सी होगा। सो क्या आएगा इसकी जगह, ए ई डैश प्लस ई डैश सी डिवाइड बाय इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां पर ए सी आएगा, यहां पर क्या आएगा ए सी डिवाइडेड बाय
E dash C is equal to again A plus EC, A plus EC, ये भी क्या होगा यहाँ पर आपका AC होगा divided by EC, okay? अब दोनों तरफ क्या है यहाँ पर AC है तो ये AC क्या हो जाएगा get cancel हो जाएगा. Now next step में क्या आएगा यहाँ पर, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा यहाँ पर एसी एसी तो चले गए तो ये क्या मिलेगा वन बाय ई डैश सी. सो क्या होगा यहाँ पर वन बाय ई डैश सी इज इक्वल टू राइट साइड में वन बाय ई सी, वन बाय ई सी. अब इसको सॉल्व करो तो क्या होगा ई डैश सी इंटू वन ई डैश सी इज इक्वल टू वन इंटू ई सी ई सी. तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर ई डैश सी is equal to EC, ये मिल रहा है यहाँ पर. ओके हम इसको इक्वेशन फोर दे देंगे. नाउ डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखो ई डैश सी इक्वल टू EC मिल रहा है, ई डैश सी इज इक्वल टू EC मिल रहा है. इट मीन्स क्या हो रहा है ये D लाइन पर ये D ई डैश लाइन क्या हो रही है यहाँ पर एग्जैक्टली ओवरलैप हो रही है. मतलब यहाँ पर समझ लो कि D पर ये क्या है ये D ई डैश लाइन यहाँ पर है, इस मतलब यहाँ पे ये लाइन है मतलब एग्जैक्टली इसके ऊपर है समझ लो. ओके अब ये इसको पैरेलल है तो ये लाइन भी क्या होगी इसको पैरेलल होगी. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दस ई डैश कोइंसाइड विथ ई, मतलब E डैश क्या हो रहा है कॉन्साइड हो रहा है विद E, E के साथ. सो अब E डैश E के साथ कॉन्साइड हो रहा है इट मींस क्या होगा यहाँ पर ऑलरेडी ये D E डैश किसको पैरेलल है BC को पैरेलल है तो यहाँ पर D भी क्या होगा BC को पैरेलल होगा. सो क्या होगा यहाँ पर सिंस D E डैश पैरेलल टू BC, D E dash parallel to BC, ये इसको parallel है तो also क्या होगा ये D भी BC को parallel होगा. So therefore D E parallel to BC, मतलब यहाँ पर देखो D E parallel to BC मिला है हमको और ये E dash coincide हो रहा है E के साथ means क्या होगा ये D E parallel to also BC होगा. means यहाँ पर क्या होगा dear students हमारा ये theorem प्रूफ हो गया है. हेंस प्रूफ. अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.2. ओके स्टूडेंट्स.